आपकी दुकान स्टोर में रखे सामान का पूरा खाता तैयार करने तक। बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान। चीनी मिलों ने सरकार से 1 अक्टूबर से शुरू होने वाले अगले सीजन में ओपन जर्नल लाइसेंस यानी कि OGL के तहत 80 लाख टन चीनी के निर्यात की अनुमति देने का आग्रह किया है। इससे चीनी मिलों को सीजन शुरू होने से पहले ही भविष्य के निर्यात अनुबंधों में प्रवेश करने में मदद मिलेगी। चीनी मिलों का कहना है कि ये अगले साल के लिए मौजूदा चीनी निर्यात नीति की समीक्षा करने का समय है, क्योंकि मौजूदा वैश्विक कीमतें दृढ़ हैं। वहीं बता दें, खबरों के मुताबिक इस्मा के अध्यक्ष आदित्य झुंझुनवाला द्वारा वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल को हाल ही में दिए गए आवेदन में कहा गया था कि अग्रिम निर्यात अनुबंधों के परिणाम स्वरूप बेहतर नकदी प्रवाह और किसानों को अगले सीजन में भुगतान करने में आसानी होगी। इस्मा ने सरकार से चालू सीजन में चीनी मिलों को अतिरिक्त 1 मीट्रिक टन निर्यात करने की अनुमति देने का भी आग्रह किया है, ताकि मिलें अपनी निर्यात प्रतिबंधताओं को पूरा कर सके। पिछले महीने सरकार ने 1 जून से चीनी के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया था, जिसका उद्देश्य घरेलू उपलब्धता सुनिश्चित करना और मूल्य वृद्धि को रोकना था। निर्यात पर यह प्रतिबंध इस सीजन 2021-22 में चीनी के रिकॉर्ड शिपमेंट के बाद आया। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी। आपके ग्राहक की खुशी से आपकी दुकान पर ग्राहक को लाने तक बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान।